हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा आशीष तिवारी। नेहा आशीष तिवारी जो मेरी पहचान है, इस नाम से ही मेरी पहचान है। कुछ लोगों को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, आशीष जी को क्या हुआ था, मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती हूँ, मायके में क्यों रहती हूँ। आशीष जी के साथ जो हुआ है वो मैं किसी और ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। अभी जो मेन सवाल है लोगों का कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, इटारसी में, जबलपुर क्यों नहीं जाती। जब हमारे साथ कोई हादसा होता है ना, तो हमारे जो अपने होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम उस हादसे से अपने आप को निकालने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएं। उसके लिए उस समय हमें केयर की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्यार चाहिए होता है। वो मुझे मिला मेरे मायके से। वहाँ पर मेरे साथ मेरी मम्मी थी, 1 महीने रहीं और उसके बाद मुझे यहाँ लेकर आईं, क्योंकि वो मुझे इस रूम से, उस घर से दूर रखना चाहती थी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि चीज़ों को देखकर वो यादें याद आती हैं। तो उस टाइम पर उनका लाना यहाँ ज़रूरी था, मैं आई यहाँ पर। कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट नहीं करो, कभी कभी वो हो जाता है। तो मेरे साथ तो पहले इतना बड़ा हादसा हो चुका था, भगवान पर तो भरोसा मेरा था ही नहीं। मैंने अभी 1 साल बाद अब मैं मंदिर गई हूँ, तो भगवान ने तो गलत किया ही। उसके बाद इलाज भी नहीं मिला, डॉक्टरों ने भी गलत किया, घर वालों ने भी नहीं छोड़ा। मतलब कहा जाता ना कि उम्मीद नहीं थी, सीधी सी बात कि काफ़ी बातों से मेरा मन उठा हुआ है। अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या था, लेकिन अगर कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा, वर्ड टू वर्ड बताया जाएगा। मैं मानती हूँ कि एक औरत पति के जाने के बाद पहले की तरह नहीं रह जाती है, लेकिन उसे हर बात में इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी एक औरत है, इंसान है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। हाँ वो है, उस वर्ड को मैं यूज़ नहीं करना चाहती, पर दिन रात ये बोला जाए कि तुम ये हो, तुम ये हो, तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, वो झेली नहीं जाती जब वो अपनों से मिलती है। बाहर वालों से हमारा रिश्ता नहीं होता है ना, तो उनकी कही हुई बातें दिल पर घर नहीं करती हैं, पर जब अपने हमारे साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो वो हर्ट करता है, वो बुरा लगता है। उस समय बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी कि कोई ऐसे हाथ रखता और कहता कि हम हैं, चिंता नहीं करना, हम हैं। नहीं मिला, अब मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अपने आप को संभाल चुकी हूँ। और मैं अपने आप को संभाल पाई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मम्मी पापा चाचा चाची मेरे भाई, ये लोग मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। कई बार मैं ऐसे टूटी हूँ कि ऐसा लगता था कि अब जी ही नहीं पाऊँगी, उस समय इन लोगों ने मुझे खड़ा किया है। तब वो लोग नहीं थे, जहाँ होना चाहिए था वो लोग नहीं थे, तो अब होने का कोई फायदा नहीं है, क्या किया जाए फिर। अगर इटारसी से जबलपुर के लिए ट्रेन जाती है तो जबलपुर से इटारसी के लिए ट्रेन आती भी है। एक टैग होता है ना कि अब पति नहीं है तो बेचारी, अगर उस बेचारी वर्ड के साथ मुझे एक्सेप्ट किया जाए तो मैं नहीं चाहूँगी। आप मुझे एक्सेप्ट करो, मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं बेचारी नहीं हूँ, एक माँ हूँ, अपनी बेटी को मैं पाल सकती हूँ। एक सहारा मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए था, मुझे सपोर्ट चाहिए था कि कोई मेरे साथ खड़ा रहे और ये बोले कि तुम चलो आगे, हम हैं। वो सपोर्ट चाहिए था, मुझे सहारा नहीं चाहिए था कि एक हाथ का घूंघट डाले मैं अपने ससुराल में अपने पति की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रोती रहूं, वो मुझे नहीं चाहिए था। आशीष तिवारी नाम मेरे नाम के साथ है, उनकी बीवी हूँ मैं, संभाल सकती हूँ अपने आप को, अपने दम पर आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ भी रही हूँ। इसमें आप लोगों ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है, उन लोगों ने किया जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उन लोगों ने सपोर्ट किया है मेरा, तो ज़्यादा तो नहीं, आप लोगों को जानना था तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिसका सब कुछ चला जाए ना, वो क्या चाहेगी, उसके लिए तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती, उसके लिए प्यार मायने रखता है,
दो शब्द आप अगर प्यार से बोल लो ना तो वो मायने रखता है, आप गले लगा लो ना तो वो मायने रखता है। काफ़ी साल दिए हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो चुभे हुए हैं, बुरा लगता है, अभी भी सोचती हूँ तो बुरा लगता है। तो सहारा नहीं चाहिए। नेहा तिवारी अभी तक आगे बढ़ी है, आगे भी अपनी बेटी को पाल सकती है, ज़रूरत पड़ी तो बताया जाएगा, अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए। नेहा आशीष तिवारी, ये नाम मेरे नाम के साथ हमेशा रहेगा। मैं ससुराल अभी तक नहीं गई हूँ और आगे भी मैं नहीं जाना चाहूँगी। मैं बता रही हूँ अब आप लोगों को कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं पहले की तरह हूँ ही नहीं तो फिर उस घर में क्या करने जाऊँ। जब मैं वो नेहा ही नहीं हूँ तो फिर ये नेहा क्यों जाएगी वहाँ। जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी, तो जब वो चीज़ नहीं मिली, मतलब नहीं है अब, तो मेरे साथ जो लोग खड़े रहे, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, मैं ऐसे ही सोशल मीडिया से उन्हें जानती थी, वो मेरे एक आंसू पर यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं, राजस्थान से, पूना से, अहमदाबाद से, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो आते हैं दौड़े दौड़े कि अगर ताशी की तबीयत ख़राब होती है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो उन लोगों को बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि इससे हमारी ज़रूरत है, और वो आते हैं। कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं, क्या किसी ने देखा आते हुए? मैं ही जाऊँ, ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। सवालों के जवाब मैं अभी इतने ही देना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी आपकी, नेहा को सहारे की ज़रूरत नहीं है। नेहा आशीष नाम के साथ ही अपनी लाइफ निकाल सकती है अपने दम पर। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू जिन लोगों ने बिना रिलेशन के मेरा सपोर्ट किया, उनके लिए दिल से थैंक यू, और ईश्वर आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे। थैंक यू।